अब हर रोज दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा टेस्ट होंगे। अभी 40 से 50 हजार टेस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से DRDO सेंटर में 750 IC बेड्स भी तैयार करवाए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए बैठक की है। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई बड़े अफसर मौजूद रहे। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। केंद्र की तरफ से दिल्ली सरकार को BIPAV मशीन भी दी जाएगी। इससे अस्पतालों में IC बेड की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। दिल्ली में RT-PCR टेस्ट की संख्या 2 गुना की जाएगी। जिन इलाकों से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, वहां ICMR की मोबाइल टेस्टिंग वैन चलाई जाएगी। इस वैन पर आकर कोई भी जांच करा सकेगा। MCD के हॉस्पिटल्स को COVID-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। यहां हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीजों का इलाज होगा। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर, हाई फ्लो नेजल कैनुला व अन्य जरूरी इक्विपमेंट्स दिल्ली सरकार को दिए जाएंगे। डेडिकेटेड मल्टी डिपार्टमेंट टीम दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों का निरीक्षण करेगी। वहां COVID-19 के लिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मरीजों के भर्ती करने के तरीकों और बेड्स की उपलब्धता की जांच करेगी। प्लाज्मा डोनेशन और ट्रांसफ्यूजन के मामलों में प्रोटोकॉल दिया जाएगा। इस पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल, एम्स और DG ICMR के विशेषज्ञ शामिल होंगे। कंटेनमेंट जोन की पहचान की जाएगी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, क्वारंटाइन सुविधाओं और स्क्रीनिंग पर फोकस होगा। CAPF और पैरामेडिकल स्टाफ के डॉक्टर्स को एयरलिफ्ट करके दिल्ली बुलाया जाएगा। समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।